सही कहा है, किसी ने इंसान बोलना तो जन्म के कुछ साल बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, ऐसे काफी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते, और अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यही असली सच है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की इस बौद्ध कहानी में आपको जो बातें हम बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपको वह सात ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तो और, ये जो सात बातें हैं ये आपको अपने पास क्यों रखनी है, इसका कारण भी हम आपको समझाएंगे। इन सात बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, उसके पास दो वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, आप एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको हमदर्दी जतानी होगी, आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग हमारी मजबूरी समझकर हमें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से आप काम पा सकते हो। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई। अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था, लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा, अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी एहसान फरामोशी है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सच थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही
उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम करवा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा नहीं वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ध्यान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह उन बौद्ध भिक्षु को रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी भी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती और तुम समझदार होते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने पहली बात बताई जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या कारण होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात बौद्ध भिक्षुक ने बताई जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या कारण रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका चरित्र कमजोर हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हांकने का क्या फायदा? वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात गुरुवर ने रामू से कही
जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर हमारी परिवार के साथ होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ। वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिलता है और वह इसका फायदा उठाने का कभी नहीं चूकते। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे, और वह जाहिर है कि बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, और वह है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो इस हालात में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी आमदनी उनसे ज्यादा हो सकती है, या तो फिर आपकी आमदनी उनसे कम हो सकती है। अगर आपकी आमदनी उनसे ज्यादा है तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़ों का कारण हो सकती है, और इसी जगह आपकी कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वह आपको कमजोर भी समझ सकते हैं, और ऐसी हालत में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक ना बनाए, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने में दोनों हालातों में आपको ही परेशानी होगी, इसीलिए अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई और अगर भविष्य में आप दोनों दुश्मन बन जाते हैं तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर उनको आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत का तोड़ भी आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, क्योंकि हर शेर का सवा शेर होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको उनसे हमेशा दब के रहना पड़े। अगली बात बौद्ध भिक्षु ने बताई जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने मित्रों और दुश्मनों के बारे में अपने मित्रों के साथ बात करना, और उनके साथ अपने दोस्तों और दुश्मन के बारे में आपके अनुभव और विचारों को बताना अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान और सावधानी से अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके मित्रों के साथ खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी ओर आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल आपका दुश्मन बन सकता है, और वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है और धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में भी अपने दुश्मनों के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। आखिरी बात में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में भी किसी को मत बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह बता रहे होते हैं कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हैं, और ये आपके अंदर एक अहंकार पैदा करेगा। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को जो 7 बातें बताई
उनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप और ज्यादा जागृत रहे। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह बातें सच लगी या नहीं। और इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते जो हम यहां बताना भूल गए हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूं पूरी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।